नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग एकेडमी फॉर आर्मी बॉयज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आर्मी भर्ती भर्ती में से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, जिन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है उन पर एक वीडियो है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले है प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट जो साफ दिखता हो। दोस्तों यह डॉक्यूमेंट केवल आर्मी भर्ती है उसमें लागू होता है, टीए में नहीं होता। दोस्तों अगर साफ दिखता हो इसका मतलब इससे जो बार कोड है वो कहीं से धुंधला नहीं होना चाहिए, इसके बगैर स्कैन नहीं हुआ और आपकी एंट्री नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद है दोस्तों 20 फोटोग्राफ लेटेस्ट जिससे प्रमाणित किया जा सके। दोस्तों 20 ऐसी फ़ोटो जिससे प्रमाणित किया जा सके कि वह कैंडिडेट खुद तुम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि भर्ती रैली स्थल पर ही आपकी फ़ोटो खींच दी जाती हैं। और इसके बाद है दोस्तों 10वीं कि जो सर्टिफिकेट है वो, ये दोस्तों एज का प्रूफ होता है। दोस्तों इसके बाद 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, फिर होता है आवासीय सर्टिफिकेट फ़ोटो के साथ। दोस्तों इसे डोमिसाइल भी बोला जाता है। यह सर्टिफिकेट राज्य सरकार, तहसीलदार या SDM से होना चाहिए। फिर है दोस्तों धर्म का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार, तहसीलदार या SDM से होना चाहिए। दोस्तों फिर है दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट, सरकार, नगर पालिका या पुलिस द्वारा जारी किया होना चाहिए। सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर है अविवाहित सर्टिफिकेट जो कहता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, जो सरपंच द्वारा साइन किया हो। फिर दोस्तों सिंगल बैंक अकाउंट, दोस्तों इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI उसका खाता हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा यही खाता नंबर मांगा जाता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो एक सर्टिफिकेट लाना होगा जिस पर आपके माता पिता के साइन की होने चाहिए और सरपंच से भी संतुष्टि करनी चाहिए। फॉर्मेट नीचे दिया गया है दोस्तों, जो जिस प्रकार का एफिडेविट आपको लिखवाना है उसकी थोड़ी ही डिटेल दी गई है। दोस्तों नीचे 18 साल से कम उम्र के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, दोस्तों जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों कि पिता उसमें दावा करता है कि मैं अपने बेटे के नाम भारतीय सेना में भर्ती के लिए भेज रहा हूँ, जिसका जन्म खालिस्तान डेट को हुआ था, सेना में शामिल होने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्क्रीनिंग के दौरान चोट या बीमारी के कारण किसी भी मुआवजे के लिए नहीं कहूँगा या कहूँगी। अगर आप विशेष श्रेणी से आते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों फिर दोस्तों सन ऑफ सर्विंग, जो सर्विस में सोल्जर या वार विडो या पूर्व विधायक, रिलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों NCC के जो सदस्य हैं उनमें NCC A, B या C सर्टिफिकेट, अगर गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी परेड में भाग लिया है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों इस सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा यह तो है कि ए और बी के तो कुछ नंबर जुड़ते हैं और सी में जो GD का एवं ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिटर्न माफ होता है, और जो गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी जो परेड में हिस्सा लेता है दोस्तों उसका कलर का भी टेस्ट माफ होता है। दोस्तों अगले कैटेगरी है स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी, अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट है तो खेल की श्रेणी में राहत मिलेगी नंबर की। आपके पास इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट के साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आवश्यक है, दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप इसमें दोस्तों 20 नंबर की रिटन में टेस्ट ले सकते हैं, या आप जो IIT में 2
नंबर की छूट है या वेट में 3 kg की छूट ले सकते हैं दोस्तों। इन तीनों में से किसी एक की छूट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।